92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा रोज इसे प्रस्तुत करता हूं और आज इस कार्यक्रम में मैं प्रयास करता हूं कि आपको गुरु महिमा के बारे में कुछ बताऊं। गुरु शरणागत छाड़ी के करे भरोसा और, गुरु शरणागत छाड़ी के करे भरोसा और, सुख संपत्ति की कह चली नहीं नरक में ठौर, सुख संपत्ति की कह चली नहीं नरक में ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा स्वरूप गुरु की शरणागति को छोड़कर जो शिष्य दूसरों की आशा करता है उसको सुख संपत्ति की तो बात ही मत करिए, नरक में स्थान भी नहीं मिलता है। क्योंकि गुरु ही तो है जो ईश्वर का आभास हमें कराता है, ईश्वर से हमें मिलाता है, ईश्वर का ज्ञान हमें कराता है। इसलिए गुरु जो है वो सबसे पहली पंक्ति में हमारे सामने है जिसका हमें आदर सत्कार करना चाहिए। 92.7 बिग एफएम पे आप शहर कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज आपको लेके चलता हूँ एक बहुत सुंदर मंदिर, जगह भी बहुत सुंदर है, नर्मदा नदी के किनारे शिवपुरी मध्य प्रदेश में ये मंदिर है, ओमकारेश्वर मंदिर। ये मंदिर जो है ओम ध्वनि का मंदिर है, ओमकारेश्वर इसीलिए कहा जाता है, भगवान शंकर को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। एक बार नारद जी विंध्या पर्वत का भ्रमण कर रहे थे और वहाँ उन्होंने क्या किया कि पर्वत मेरु की खूब प्रशंसा की। विंध्या पर्वत को मेरु पर्वत की प्रशंसा सुनकर ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने सोचा कि मैं मेरु पर्वत से भी बड़ा हो जाऊं। उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की, 6 महीने तक ओमकारेश्वर के साथ में उन्होंने शिव की पूजा की। शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दिया कि मैं 2 हिस्सों में बट जाता हूँ, एक ओमकारेश्वर और एक अमारेश्वर के हिस्से में, दोनों जगह में स्थापित होऊंगा। और उसके बाद विंध्याचल पर्वत बढ़ने लगा, उसका आकार बढ़ने लगा, क्योंकि भगवान शंकर ने वरदान दे दिया था कि विंध्याचल पर्वत बढ़ेगा, इसका आकार बढ़ेगा। उसके बाद ऋषि अगस्त अपनी पत्नी के साथ वहां से गुजरे, उन्होंने देखा कि विंध्याचल पर्वत का आकार तो बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने विंध्याचल से कहा कि तुम अपने आकार को अभी मत बढ़ाना, उसे रोक दो, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, मैं भ्रमण पे जा रहा हूं। और उसके बाद ऋषि अगस्त अपनी पत्नी के साथ वापस आए ही नहीं और विंध्याचल पर्वत का आकार वहीं रुक गया, उसके बाद और नहीं बढ़ सका, क्योंकि वो इस इंतजार में था कि ऋषि अगस्त आए तो मैं बढ़ना फिर शुरू करूं, बस वहीं आकार उसका रुक गया। ये कहानी बड़ी सुंदर है, आपको कभी अवसर मिले तो मध्य प्रदेश में शिवपुरी स्थान पे जाइए, नर्मदा नदी के किनारे ये बड़ा सुंदर ओमकारेश्वर मंदिर है, इसके दर्शन कीजिए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ, और अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ, उस भजन का आनंद लीजिए, मैं भी लूं आप भी लें। देखिए गुरु नानक महाराज जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, अब मैं कौन उपाय करूं, अब मैं कौन उपाय करूं, जे विध मन का संसा छूटे, जे विध मन का संसा छूटे, भवनिध पार करूं, अब मैं भवनिध पार करूं, अब मैं कौन उपाय करूं, जन्म पाए कछु भलो न कीनो, जन्म पाए कछु भलो न कीनो, ताते अधिक डरूं, मन वच करम हरि गुण नहीं गाए, ये जिय सोच धरूं, अब मैं कौन उपाय करूं, जे विध मन का संसा छूटे, जय विध मन का
संसा छूटे भव निध पार करूं। अब मैं कौन उपाय करूं, गुरु मत सुन कछु ज्ञान न उपजो, गुरु मत सुन कछु ज्ञान न उपजो, पशु जो उदर भरूं। कहो नानक प्रभु बिरद पछाणो, तब हो पतित तरूं। अब मैं कौन उपाय करूं, अब मैं कौन उपाय करूं। 92.7 बिग एफएम आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम, मैं अनूप जलोटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भजन आपने गुरु नानक देव महाराज जी का सुना, और आज हम एक ऐसे कलाकार को प्रस्तुत कर रहे हैं जो बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे कंपोजर हैं, उन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम किया है। आप हैं श्री प्रद्युमन शर्मा। प्रद्युमन जी, स्वागत है आपका सहर कार्यक्रम में। जी नमस्कार, मुझे बहुत खुशी है आपको सहर कार्यक्रम में लाकर, क्योंकि यहाँ के श्रोता जो हैं वो आपकी रचनाएं, आपका गायन बहुत पसंद करते हैं। और हमें याद है कि आपकी एक बनाई हुई गजल तो गुलाम अली साहब ने बहुत पॉपुलर की, खूब गाई, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। वाह वाह, आप कमाल के कंपोजर हैं और सिंगर हैं, तो कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे कि ये संगीत का रोग आपको कैसे लग गया? अनुप भाई, मैं बचपन से ही मुझे काफी शौक था, और मेरे घर में मम्मी और पापा दोनों को ही बहुत शौक है, और मम्मी तो हमारी शी वाज ए वंडरफुल सितारिस्ट। अरे वाह, तो घर में ये संगीत था ही, माहौल था घर में। और फिर कहीं आपने शास्त्रीय तालीम ली उसके बाद? हाँ जी हाँ जी, मैं उस्ताद आमिर खान साहब उनसे भी सीखा, मम्मी से भी मैंने काफी सीखा है। वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आज हमारे श्रोताओं को क्या सुनाने जा रहे हैं आप? मैं अनु भाई, मुझे अभी आपसे बात करके एक भजन याद आ रहा है जो मैंने आपको ही रिकॉर्ड किया था। ओके, तो चलिए हो जाए। जी हाँ जी हाँ। छोड़ दे हर अवगुण, छोड़ दे हर अवगुण, साधो सुन भाई साधो सुन, ओ साधो सुन भाई साधो सुन। एक हाथ से देकर दुनिया दूजे से ले लेती रे, दूजे से ले लेती रे, ऐसी है ये दुनिया साधो, रेत पे नैया खेती रे, रेत पे नैया खेती रे, दोनों रास्ते तेरे आगे, इनमें से एक चुन, इनमें से एक चुन, साधो सुन भाई साधो सुन, ओ साधो सुन भाई साधो सुन। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, क्या अच्छी कंपोजिशन है। और आप जो प्यार से गाए इसको, बड़ी भक्ति से गाए, आपके गाने से हमारे श्रोताओं को बहुत प्रसन्नता हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युमन जी आने का हमारे शहर का। जी शुक्रिया। 92.7 बिग एफएम पे आपने सुना प्रद्युमन शर्मा जी को, और आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह आपसे मुलाकात होगी, ठीक 6 बजे मैं पहुंच जाऊंगा आपके रेडियो के अंदर। बस आप अपना रेडियो ऑन करिएगा और मैं बाहर आ जाऊंगा, तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, कल मिलेंगे। सुनते रहिए सहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7।